नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। कानपुर में बोले जेपी नड्डा, सिख समुदाय के लिए पीएम मोदी ने किए हैं बहुत काम, सभी मांगों को किया पूरा। परमवीर सिंह मामले में महाराष्ट्र सीएम से वकील ने की शिकायत, बोले जांच में लापरवाही आरोपी को पहुंचा सकती है फायदा। 26/11 हमले पर मनीष तिवारी के बयान पर गौरव भाटिया का हमला, कहा निठल्ली और निकम्मी थी कांग्रेस सरकार। मुलायम सिंह यादव ने सरकार पर बोला हमला, बोले देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी का बड़ा बयान, दिल्ली खरीद फरोख्त करने आई है ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री वलसे पाटिल बोले क्रूज छापेमारी फर्जी थी या नहीं, मुंबई पुलिस करेगी जांच। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा अमेरिका के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत करना चाहता है पाकिस्तान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार होगा पहला फेज। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए हार्दिक पांड्या का चयन होना मुश्किल, फिटनेस पर स्थिति साफ नहीं। अतरंगी रे का पोस्टर आया सामने, प्यार का पागलपन दिखाएंगे अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष, कल रिलीज होगा ट्रेलर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।